यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आएगा, नीट वाले मेडिकल वालों के लिए नीट में पक्का क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन पे, ईएमवे में थ्योरी का क्वेश्चन उनको आता है, तो आप ध्यान से इनके यूजेस देख लें, फ्री का ही क्वेश्चन है नीट वालों के लिए। तो मेंस में अगर उसका दिल आया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर दिल आता नहीं है, बहुत अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल डालता है ईएमवे के, आते आते पेज के सबसे बड़ी लेंथ ईएमवे के न्यूमेरिकल की होती है और उसका सोल्यूशन दो लाइन का होता है, ठीक है, देखने में एकदम खतरनाक होता है, लेकिन उसको समझने वाली बात है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे इसका। आप ये सोच रहे होंगे न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल का फॉर्मूला तो बताओ, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा न्यूमेरिकल, उसकी थ्योरी अलग है, न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज अलग बनाएंगे हम, ठीक है। तो अभी यूजेज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम में सबसे पहले रेडियो और माइक्रोवेव से स्टार्ट करता है, रेडियो और माइक्रोवेव की पहले प्रॉपर्टी बताएगा, फिर यूज़ बताएगा, फिर उसके बाद जो लाइट वेव है प्रॉपर्टी बताएगा, यूज़ बताएगा, दो चीज़ें बताएगा, पहले प्रॉपर्टी, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव्स आर ईएम वेव्स एंड ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 3×10⁸। नेक्स्ट है रेडियो वेव ऑब्वेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट की तरह रेडियो वेव गेट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है ऑप्टिक्स में करेंगे, पहाड़ आ गया, लाइट ये रेडियो वेव आ रही हैं, टक्कर हुई टॉप बिल्कुल टिप पे बेंड हो गया, तो अदरवाइज सीधी जा रही थी रे, लेकिन वेव अगर सीधी जा रही है अगर टच हो गई इसके ऑब्स्टेकल को तो ये बेंड हो गई, थोड़े रास्ता चेंज कर गई, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक, ये ऐसा करती हैं। नेक्स्ट है रेडियो वेव गेट माइक्रो वेव प्रोड्यूस हीट वेर एब्जॉर्ब बाई दी, भाई खाना गर्म करते हो जिसके ऊपर गिरेगी तो खाना गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, रेडियो वेव्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पज, भाई रेडियो वेव तो आप फोन में यूज़ करते ही हो, वायरलेस कम्युनिकेशन, टीवी सिग्नल रेडियो सिग्नल के काम आती हैं, रेडियो वेव्स आर यूज इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, भाई रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो आप स्पेस में यूज़ करते हो वो काम आएगी, माइक्रोवेव रडार सिस्टम में काम आती है, वो प्लेन्स और रॉकेट ये सब देखते हैं माइक्रोवेव्स हैं क्योंकि सबकी स्पीड 3×10⁸ है। माइक्रोवेव्स आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, बता दिया टेलीफोन कम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव ओवन्स आर यूज फॉर कुकिंग, माइक्रोवेव्स आर यूज इन स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा 2 साल पहले कौन सी वेव आपको हेल्प करेगी इन स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, माइक्रोवेव अनलाइन कर लो इसे, ठीक है, माइक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेस, प्रॉपर्टी नंबर 1, इंफ्रा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगेन सेम प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉलो करती हैं, दीज रेज कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एंड कैन बी पोलराइज, पोलराइजेशन ऑप्टिक्स का फिनोमेन है, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है, और ये क्या है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं, इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव का मिलना सुपर इम्पोज होना, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या इंटरफेरेंस, ये ऑप्टिक्स का फिनोमेन है, उसमें समझाऊंगा। नेक्स्ट है वेन अलाउड टू फॉल ऑन मैटर दीज रेज प्रोड्यूस इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे जिनके ऊपर गिरेंगी ये, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, When absorbed by molecule, the energy of the rays gets converted into molecular vibrations. So molecules vibrate करते हैं. They are scattered less as compared to the visible light. तो ये longer distance travel करते हैं. Satellite से photo ली जाती है. तो आपको light के कैमरे हैं. रात को भी photo आ रही है. दिन में भी photo आ रही है. Discovery वाले रात को जानवरों की photo लेते हैं. क्योंकि वो normal light camera नहीं होता. Infrared rays camera होता है. वो heat से photo खींचता है. Heat की help से infrared rays cameras. ठीक? नेक्स्ट है एप्लीकेशन, ये सन से जो लाइट आ रही है वो अर्थ को गर्म रखती है, कोल डिपॉजिट, बहुत साल पहले वो पेड़ गिर गए थे धरती में, तब गए इंफ्रारेड रेज गिरी कोयला बन गया, तो ये वैसे ही कोयला बनाने के काम आती हैं। नेक्स्ट है दीज रेज आर यूज इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर्स, इंफ्रारेड रेज फोटोग्राफ्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, बताया मैंने, यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ फॉग एंड स्मोक, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट, मंडी से वो ले आओ अंगूर ले आओ सुखा लो इंफ्रारेड रेज घेर लो किशमिश बन जाएगी, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, और क्या है यही तो है, तो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। नेक्स्ट है दीज रेज आर यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट, अब सैटेलाइट में सेल तो कोई चेंज करेगा नहीं तो वो सोलर पैनल यूज़ करेगा तो ये रेज काम आएंगी, ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन्स, आप फुटबॉल खेल रहे हो जा रहे हो सीढ़ियों से गिर गए मोच आ गई चोट लग गई घर वाले क्या कहेंगे सेक दे ले, सेक नहीं दे ले तो इंफ्रारेड रेज दे ले, तो सेक क्या है हीट क्या है इंफ्रारेड रेज दे ले तेरे स्ट्रेन ठीक हो जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। अल्ट्रा वायलेट क्या प्रॉपर्टी है, वही सेम प्रॉपर्टी, स्पीड 3×10⁸, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये भी करते हैं, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन ये भी करते हैं। नेक्स्ट है जब ये मेटल पे गिरते हैं
दे कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जिस मेटल पे गिरेंगे उसके इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर उठा के बाहर फेंक देंगे, हवा में ही आ जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे बोलते हैं। तो इतनी एनर्जी है इनमें। दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है इतनी। दीज रे पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, और धूप में बैठ जाओ विटामिन डी मिलेगा सर्दी में, तो ये वही है विटामिन डी, इंफ्रारेड रेस, ठीक है, या अल्ट्रा वॉयलेट रेस, सॉरी। यूवी रेज आर गिवन बिलो, एप्लीकेशंस हैं। अल्ट्रा वॉयलेट रेज आर यूज फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरसेंस, कोई चीज़ ढूंढनी है, अल्ट्रा वॉयलेट रेज फ्लोरसेंस शो करते हैं तो वो चीज़ चमकेगी, फ्लोरसेंस शो करेंगे। यूवी ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर यूज इन स्टडी ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, फिर से आ गया, आप यूवी भी लिख सकते हो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। दीज रेज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड हैंस यूज फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वो एड आती है टीवी पे हेमा मालिनी की, ईशा देओल की और माधुरी दीक्षित की, ये यूवी वाला कैंट यूज़ करो वो क्या पानी को बैक्टीरिया ख़त्म कर देगा, ये यूवी फिल्टर है, ये रहा यूवी, यही है, ठीक। दीज रेज आर कॉज फोटोग्राफिक, दे आर यूज इन चोरों को अलार्म पकड़ने के काम आती हैं। एक्स रेज क्या प्रॉपर्टी है, ये बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इनसे कोई लेना देना नहीं है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, आयनाइज कर देती हैं गैस को जिसमें ये पास करती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ये भी करती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं ऑब्जेक्ट की शेडो आके फेंक देती हैं, जैसे हड्डी पे गिरी, हड्डी की शेडो आगे गिरती हैं, आप शेडो की फोटो लेते हो, आपको एक्सरे लेके आया हूँ तो हड्डी की फोटो नहीं खींची, हड्डी पे तो एक्सरे गिरा, बोन पे एक्सरे गिरा और बोन की शेडो आगे स्क्रीन पे गिरी तो शेडो आपने कैच कर ली, तो ये एक्सरे है, ठीक। तो दे कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, सब करती हैं ये भी ऑप्टिक्स के फिनोमेना। दे कैन पेनिट्रेट अ मटीरियल, आपने वो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के अंदर क्रैक है, कैसे चेक करोगे, अंदर क्रैक आ गया तो एक्सरे करते हैं उसके ट्रैक का, मशीन है जो चेक कर देती हैं कि अंदर से कहीं क्रैक तो नहीं है, बाहर से नहीं दिखता अंदर से हो सकता है। नेक्स्ट है दे हैव इंजीरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडीज, ज़्यादा एक्सरे के एक्सपोजर में आओगे तो खराब हो सकता है, ठीक। एप्लीकेशंस हैं यूज इन सर्जरी, फ्रैक्चर्स सबको पता है काम आती हैं, एंड कंट्रोल्ड एक्सरे एक्सपोजर यूज टू क्योर स्किन डिजीज, स्किन डिजीज को ठीक करने के काम आती हैं। दीज रेज आर यूज इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट क्रैक्स, बता दिया मैंने, ठीक। यूज बाई डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, वो एयरपोर्ट पर जाओ तो एक्सरे मशीन सब वो सब टैची टूची सब देख लेते हैं अंदर क्या चीज़ है, तो ये एक्सरे मशीन लगी होती हैं। दे आर यूज इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग पर्ल्स इन द ओएस्टर, फॉर टेस्टिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल, ये चलो होता होगा एक आध यूज। दीज रेज हैव बीन यूज इन इन्वेस्टिगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, अगेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी एक्सरे काम आएंगी। अरेंजमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का एक्सरे किया जाता है ताकि समझ सके अंदर क्या चीज़ है। यूज इन डिटेक्टिंग चेंज इन ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स, मुझे पता नहीं कैसे ये ऑयल पेंटिंग कैसे डिटेक्ट होती है। गामा रेज प्रॉपर्टीज, अगेन सेम प्रॉपर्टी, हाईली पेनिट्रेटिंग है, स्मॉल आयनाइजिंग पावर है, फ्लोरसेंस शो करती है, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑन विच दे फॉल, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, जिसके ऊपर गिरती हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट है ये हीटिंग अफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जिनके ऊपर गिरती हैं, गर्म हो जाती है चीज़। एप्लीकेशन रेडियोथेरेपी में काम आती हैं, कैंसर ट्यूमर की ट्रीटमेंट में काम आती है, अंडरलाइन कर लो, अलग यूज है गामा रेज का। फूड इंडस्ट्री में सॉफ्ट गामा रेज आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर reactions.